किसान और सारस जो जैसे लोगों के साथ रहता है वह वैसा ही समझा जाता है। बुरे लोगों के साथ रहने में बुराई न करने वालों को भी दंड और अपयश मिलता है। उपद्रवी चिड़ियों के साथ आने से सारस को बंधन में पड़ना पड़ा। शॉर्ट मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स। एक किसान चिड़ियों से बहुत तंग आ गया था। उसका खेत जंगल के पास था। उस जंगल में पक्षी बहुत थे। किसान जैसे ही खेत में बीज बोकर पाटा चलाकर घर जाता वैसे ही झुंड के झुंड पक्षी उसके खेत में आकर बैठ जाते और मिट्टी कुरेद कुरेद कर बोए बीज खाने लगते। पक्षियों को उड़ाते उड़ाते थक गया। उसके बहुत से बीज चिड़िया ने खा लिए। बेचारे को दोबारा खेत जोतकर दूसरे बीज डालने पड़े। इस बार किसान एक बहुत बड़ा जाल ले आया। उसने पूरे खेत पर जाल बिछा दिया। बहुत से पंछी खेत में बीज चुगने आए और जाल में फंस गए। एक सारस पक्षी भी उस जाल में फंस गया। जब किसान जाल में फंसी चिड़ियों को पकड़ने लगा तो सारस ने कहा, आप मुझ पर कृपया कीजिए, मैंने आपकी कोई हानि नहीं की है। मैं न तो मुर्गी हूँ, न बगुला, न बीज खाने वाला कोई और पंछी। मैं तो सारस हूँ। खेती को हानि पहुँचाने वाले कीड़ों को मैं खा जाता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उद्धरण चिन्ह। किसान क्रोध में भरा था। वह बोला, तुम कहते तो ठीक हो किंतु आज तुम उन्हीं चिड़ियों के साथ पकड़े गए हो जो मेरे बीज खा जाया करती है। तुम भी उन्हीं के साथ ही हो। तुम इनके साथ आए हो तो इनके साथ दंड भी पाओ।